हेलो गाइस, अजय हियर। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप 3 महीनों के लिए कैसे फ्री 4G पा सकते हो, यानी कि फ्री इंटरनेट 3 महीनों के लिए। नॉट ओनली इंटरनेट, बट यू कैन ऑल्सो गेट 3 मंथ्स के लिए फ्री कॉलिंग, फ्री टेक्स्ट SMS एंड दैट टू अनलिमिटेड। मतलब आप एक दिन में अगर 100 GB डाउनलोड करो या 200 GB डाउनलोड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रूली अनलिमिटेड है। आपको अगर दिन में 24 घंटे बात करना है फोन पे, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लान ही वैसा है, लेकिन 3 मंथ्स के लिए। एंड अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड इस वीडियो में आपको सब स्टेप्स बताऊंगा और क्या नेसेसरी है और क्या लेके जाना पड़ेगा, स्टोर में जाने के टाइम क्या बोलना पड़ेगा, वो सब बताऊंगा। एंड उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो जो है जो फ्यूचर में भी आएंगे वो आपको तुरंत पता चल जाएंगे, क्योंकि वो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट द 4G सिम कार्ड। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेक श्योर दैट आपके पास जो फोन है वो 4G एनेबल्ड है। मतलब यूरेका है सपोज आपके पास, या फिर Xiaomi Redmi Note 3 है, ये सब फोन जो है ये 4G एनेबल्ड फोन है। अगर आपको पता नहीं है कि आपके डिवाइस में 4G है कि नहीं, तो आप gsmarina.com पे जा सकते हो, उधर आपके फोन के स्पेसिफिकेशंस डाल दो, उधर आपको मिल जाएगा कि आपके फोन में 4G है कि नहीं। अगर आपके फोन में 4G है ये आपको पता है, तो आप ये सिम कार्ड लेने के लिए एलिजिबल हो। एंड अगर आपके पास 4G फोन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप ये सिम कार्ड नहीं ले सकते, क्योंकि जो जियो 4G है, रिलायंस का जियो 4G, वो सिर्फ 4G फोन्स पे ही चलता है। अगर आपके फोन में 4G नहीं है तो सिम कार्ड नहीं चल सकता, इसके वजह से 4G फोन कंपलसरी। एंड इसके बाद आपको फोन लेके जाना है रिलायंस के डिजिटल स्टोर में। एंड आपके नजदीक वाला रिलायंस डिजिटल स्टोर किधर है ये पता करना है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वो एक साइट पे लेके जाएगा, उधर आपका पिन कोड डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नियर बाय वाले रिलायंस स्टोर किधर है, और आप उधर जाके सिम कार्ड ले सकते हो। एंड इसके बाद बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो आपको लगेगा एक आधार कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, एंड दोनों ओरिजिनल लेके जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो देखेंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ओरिजिनल भी लेके जाना और जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना। एंड इतना ही नहीं, आपका एक फोटो भी लगेगा, तो फोटो लेके जाना भी मत भूल। इसके बाद बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि मेरे पास 4G फोन है, ये फोन है, वो फोन है, फ्री 4G तो चाहिए, कॉलिंग भी चाहिए, लेकिन अगर उधर जाकर लोगों ने बोला 2000 रुपये दो कार्ड लेने के लिए, तो भाई मुझे तो वैसे 2000 रुपये देके नहीं चाहिए, मुझे 2GB में खुश हूँ। लेकिन खुशखबर आपके लिए यह है कि ये सिम कार्ड लेने के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है, कुछ भी पैसा देना नहीं है। बस मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले पहले वही देना है, और वो स्टोर में डॉक्यूमेंट्स दे देना है बस। बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्टोर में जाते हो सब डॉक्यूमेंट्स लेके, सब फोन लेके, लेकिन वो स्टोर वाला बोलता है कि आपको सिम कार्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ऑफर के बारे में। एंड ऐसा बहुत बार हो सकता है कि स्टोर वाले को पता ही नहीं रहेगा कि ये जो ऑफर है जियो 4G प्रीव्यू ऑफर, वो सब 4G फोन्स के लिए अवेलेबल हो गया है। तो ये आपका ट्रैवलिंग टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब आप लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर चेक करोगे कि नियर बाय स्टोर कौन से है, तो उधर आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा स्टोर का, तो वो फोन नंबर पे कॉल कर देना और पूछ लेना कि सब 4G फोन्स के लिए अवेलेबल है या नहीं है, सिम कार्ड अवेलेबल है या नहीं है। एंड इसके बाद बात करते हैं एक्टिवेशन की, क्योंकि सिम कार्ड तो मिल गया, सब मिल गया, डॉक्यूमेंट्स दे दिया, सिम कार्ड मिल गया, इसके बाद एक्टिवेट होने में कितने दिन लगेंगे। तो मेरा जो सिम कार्ड था, मैंने मेरे मुंबई के स्टोर से लिया था, वो स्टोर वाला बहुत ही अच्छा था, उसने कुछ घंटों में एट आवर्स में सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिया था, तो इट्स अ गुड थिंग। बट मैंने ऐसे भी देखा है कि जो लोग पनवेल में रहते हैं, मतलब मुंबई से थोड़ा सा दूर है, एरिया अच्छा है, लेकिन फिर भी वो लोग को 4-5 दिन लगाए थे सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए। So it depends on store also that how many days will it take to activate your SIM card. And जब आप SIM card लोगे तभी उधर पूछ लेना कि SIM card activate होने के लिए कितने दिन लगेंगे, ताकि अगर वो बोले 2 दिन तो आपको 2 दिन wait करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि 2 घंटे में activate हो जाना चाहिए, फिर होगा नहीं तो आपको गुस्सा आएगा, वो सब आप मुझे बोलोगे कि ये वीडियो तो बना है, activate नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। So, आपको एक ही बात करनी है, वेट करना है सिम कार्ड एक्टिवेट होने के लिए, बहुत दिन भी लग सकते हैं इसके। एंड सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, उसके बाद भी आपको सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए एक नंबर पे कॉल करना पड़ता है जो है 1977। उसके डिटेल स्टेप्स मैंने ये वीडियो में डाल दिया है, तो अभी जो आए से बाहर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो जियो 4G से रिलेटेड ही है। जैसे कि मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको अभी, कि अगर आपके फोन में 4G है तो आपको सिम कार्ड तो चल जाएगा, लेकिन कॉल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके फोन में VoLTE नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉल्स के लिए जियो 4G थ्रू। तो अगर आपके फोन में VoLTE नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप जियो ज्वाइन एप्लीकेशन जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो लिंक आपको यूज करनी है, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। सो
आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस रिगार्डिंग जियो, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और फॉलो मी ऑन ट्विटर। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे ट्विटर पे पूछ लेना, मैं उधर भी आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मेनी मोर ऑसम वीडियोज लाइक दिस, लाइक मेनी मोर फ्री स्टफ वीडियोज मे बी are going to come real soon on the channel. So don't forget to hit that subscribe button and the like button. And let's see if we can reach 1000 likes on this video. So don't forget to smash that like button if you haven't already. So yeah, thank you guys. Thank you for watching.